अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे जो फिश फार्मिंग में अमूमन होते हैं और वो लॉस का बायस बनते हैं। तो मैं दो दिन से फार्म पर ही हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैनेज करने वाली थी और मैनेजमेंट के ही बारे में बेसिकली आज वीडियो है और इसमें हम तफसील से जानेंगे कि क्या हमें पॉइंट्स, किन पॉइंट्स को हमने देखना है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि हर आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए तो तैयार है, टाइम भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पास जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक स्किल है, वो नहीं होती या बर्दाश्त नहीं होती, पेशेंस नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं जो हमें फिश फार्मिंग में देखनी है, जो करनी है, ताकि हम कम सरमाए में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। और सबसे बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट ही होता है। कुछ कारोबार होते हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। जैसे ब्रॉयलर है, अगर आप वो कंट्रोल शेड में डाल रहे हैं तो बाहर का मौसम क्या है उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ें मशीन के ज़रिए हो रही हैं, तो इसमें ऐसे इशू नहीं आते। बहुत सारे कारोबार हैं इस तरह। लेकिन जो मछली का कारोबार है, ये बड़ा यूनिक कारोबार है। बज़ाहिर दिखने में बहुत आसान है, लेकिन जब पूरा साल गुजर जाता है तो फिर जाकर पता लगता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया। क्योंकि मछली पानी में रह रही होती है और हमें उससे आइडिया नहीं होता, और पूरे तालाब को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसमें वेट कितना है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मे बी मुझे इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़े तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूं। स्टेप वन ये होता है कि आपने जगह की लोकेशन सेट करनी है कि आपको कौन सी जगह फेवरेबल है। यानी आपने जो तालाब बनाए हैं उसकी सराउंडिंग में, जैसे मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया कि आपको पानी का निकास देखना है, लोगों की रहाइश देखनी है, रह सकते हैं, आपकी एक्सेस कितनी है, इस तरह की ये सारी चीज़ें देखनी है। ये सारी चीज़ें तय करने के बाद जब हम अब तालाब बना लिए, बच्चा उसमें शिफ्ट हो गया, अब आके आती है मैनेजमेंट कि अब सारी चीज़ें तो कंप्लीट है, अब इसको मैनेज कैसे करना है, अपनी स्किल को कैसे यूटिलाइज़ करना है और बेसिक चीज़ों को आपने कैसे ख्याल रखना है। मछली फार्मिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंटेनेंस है वो है पानी की। अगर आप पानी को अप टू द मार्क रख सकते हैं और आपके पास बकायदा शेड्यूल है पानी को टेस्ट करने का, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का, तो फिर आप मछली पाल सकते हैं, इसमें एज सच इश्यू नहीं आएगा। आप बहुत सारे फार्मर्स देखते होंगे कि वो नाकाम हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह नाकाम होने की यही होती है कि वो मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। या एक आदमी मैनेज कर रहा होता है, या वो आपके जगह से दूर होता है और उसको आप वहाँ एक्सेस नहीं हो रही होती, उस वजह से। सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं। अब पानी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसे निकल के आई हैं जो मैंने पहले मुशाहदे में नहीं आई या हमारे जानने में नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स की बहुत सारी नई नई इश्यूज निकल के आ रहे हैं, वो कहाँ से निकलते हैं पानी में। जो चीज़ जहाँ रहती है उसी के उसी रिलेटेड ही वहाँ से डिजीज निकलते हैं। अब पानी है, मछली ने हवा से, आबो हवा को उसके ऊपर इतना असर नहीं है ना वो बीमारियाँ फैलाएगी। पानी के अंदर अगर कुछ होता है तो वो बीमारियों का बायस बनता है। तो हमने इसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए मैंने बताया आपको पीएच टेस्ट करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, डेली बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अगर आपके तालाब को इशू आता है, ओवर स्टॉकिंग की हुई है, ठीक है, हाई डेंसिटी फार्मिंग की हुई है और डिफरेंट कार्ब्स की फार्मिंग की हुई है और तलापिया भी साथ रखी हुई है, तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं जिनको हमने देखना होता है। तो पानी में आपने देखना है, पीएच चेक कर लिया, आपने देखा कि मेरा, मैं हफ्ते बाद भी पानी का पीएच चेक करता हूँ तो ओके है। फिर आपने अमोनिया टेस्ट कर लिया, अमोनिया टेस्ट होने के बाद फिर आपने उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट करना है, उसकी डेंसिटी को देखना है, जिसको हम टीडीएस कहते हैं। टीडीएस के बारे में मैंने आगे वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है, ठीक है, इनको रेगुलर बेसिस पर आपने चेक करना है। उसके बाद हम आते हैं कि ये हो गया पानी की क्वालिटी को चेक करने का तरीका, ठीक है। तो अब पानी की क्वालिटी बनानी कैसी है कि वो अप टू द मार्क रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या पानी के अंदर नेचुरल फीड बनी हुई है या नहीं बनी हुई। देखिए, फीड आपने कुछ घंटे डालनी है ना, फर्ज करें सुबह आपने दिन में दो बार डालनी है, मछली आके लेके चली जाएगी फीड, वो खा लेगी, लेकिन बाकी का टाइम वो क्या करेगी, बाकी के टाइम वो क्या पानी ऑब्जर्व करती है और गिल्स के जरिए वो सारे न्यूट्रिशन वहाँ से लेती है। तो हमने क्या करना है, हमने पानी को हाई क्वालिटी वाटर बनाना है ताकि मछली जो उसको यूटिलाइज करे तो वो उसको एनर्जी दे, एज कम्पेयर टू वो उसकी एनर्जी को कंज्यूम करे, ठीक है। अब आपने पानी में क्या क्या डालना है, मैंने फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत जिक्र किया हुआ है, लोग अभी भी गलती कर रहे हैं जो एक परेशान कुन बात है। फर्टिलाइजर का एक सिंपल फार्मूला जहन में रख लीजिएगा कि अगर आपने डीएपी 1 kg डालनी है तो यूरिया आप 2 kg डालेंगे, ठीक है, बराबर खरगिज ना डालिएगा, महलूल बना के डालें।
अगर पानी के आगे रख के डालना चाहते हैं वैसे डालने, पानी के आगे कैसे रखना है, आपने सुना होगा कि ज़मीनों में, खेतों में पानी के, जहाँ से पानी जा रहा होता है ना खाले में से ज़मीन को, लोग फार्मर वहाँ अपनी खाद की बोरी रख देता था, वो उसको लग लग कर पानी आहिस्ता 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 जाता रहता। एक तो ये तरीका कि आप खाडा जो बना हुआ है उसके आगे रख दें, आप वैसे कर लें। उससे ज़्यादा अगर जल्दी डिसॉल्व करवाना है, ऐसा नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप उसको एक एकड़ में 1 किलो DAP 2 किलो यूरिया मिक्स करें अलग अलग बाल्टी में, उसको फार्म के मुख्तलिफ कोनों में डाल दें। ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे पानी फर्टिलाइज होगा, ऑर्गेनिक प्लांट उसमें बनते रहेंगे, मछली को हाई क्वालिटी वाटर मिलता रहेगा, एक चीज़ ये। सेकेंड, आप गोबर भी डालते हैं जिसको हम कहते हैं, केज भी डालते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि जो न्यूट्रिशन है वाटर की, वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का मैं जिक्र करता जाऊँ, अगर आपके तालाब का पानी बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है वो डेंजरस है, ठीक है, वो डेंजरस, इसके बारे में तफसील वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी, वो डेंजरस है। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रीनिश कलर है तो वो उसके लिए फूड है, अदरवाइज़ वो जो हम उसको छेबल कहा करते हैं, अगर वो पानी पर बनी हुई है और या उसके आप देखें कि तय बनी हुई होती है ग्रीनरी की जो उसके ऊपर आई होती है, जो नुकसानदेह होती है, ठीक है, उसको वो क्या होती है, पानी की बैड क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो पानी में आपने फर्टिलाइजर्स डाल दी, ओके हो गया। अब आपने इसमें लाइमस्टोन भी डालना है। चूना क्यों डाला जाता है, पानी की क्वालिटी को अगेन बढ़ाने के लिए, पीएच को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन को सेट करने के लिए, ये ऑल पर्पज़ है, मल्टी पर्पज़ है। लाइमस्टोन हम डालते हैं, कितना डालते हैं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर जब बताता हूँ। एक एकड़ में आप 50 kg से लेकर 100 kg तक आप डाल सकते हैं। कैसे डालना है, अब बात आती है कैसे डालने की। तो आपने लाइमस्टोन को कैसे डालना है, आप इसको सेपरेट 10-10 kg का छोटा छोटा बैग बनाकर एक तालाब में शुरू हो जाए, एक साइड से इसको स्प्रेड करें, छिड़काएं, ताकि, क्योंकि जब पानी में ये जाएगा ना तो रिएक्शन करेगा, पानी को हीट करेगा, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली स्प्रेड कर दें, ये सबसे अच्छा फार्मूला है। तो आपने दो चीज़ें कर दी, आपने इसको चूना भी लगा दिया, खाद भी लगा दी। अब मछली के लिए सारा दिन पानी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब आपने फीड डालनी, अभी मेरे पीछे आप मौसम देख रहे होंगे, इस मौसम में क्या फीड कितनी है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मैंने सुबह मछली को फीड डाली है, मछली ने फीड खाई नहीं है या कम खा रही है, क्या मसला हो सकता है। तो मौसम जो है, वेदर जो है, वो फिश फार्मिंग में की रोल अदा करता है। अगर मौसम अच्छा है, ऐसा अबरारूद रहेगा, तो मछली के लिए नुकसानदेह है, लोगों के लिए तो ठीक है वो, लेकिन मछली के लिए नुकसानदेह, क्योंकि टेम्परेचर पानी का सर्टन लेवल तक जाएगा नहीं, मछली फीड ही नहीं कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या होगी मौसम के अलावा, कि अगर धूप नहीं निकल रही, बारिशें हो रही हैं, तो भी यही इश्यूज चलते रहेंगे, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, तब भी फीड में इशू आएगा, ठीक है, ये बात समझें। क्योंकि आप फीड डालेंगे, फीड ऐसा ऐसा मछली उसको खाएगी नहीं, और ऐसा ऐसा वो कोने में लग जाएगी जो वेस्टेज का बाइस बनेगी, ठीक है। तो फीड को डालने के तरीके मैं बता चुका हूँ, फीड एक सुबह अर्ली मॉर्निंग डालें, ठीक है, 8-9 बजे आप टेम्परेचर देखते हैं कि 8-9 बजे टेम्परेचर कितना अच्छा है तो आप फीड डाल दें, ठीक है। अगर टेम्परेचर अच्छा नहीं है तो आप फीड ना डालें, या थोड़ा लेट करके डालें। इसी तरह इवनिंग में डालें, दोपहर में फीड नहीं डालने का कहा जाता, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो ज़रा कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि ज़्यादा फीड, जैसे मैंने बताया था कि एक्सेस फीड डालने से वाटर क्वालिटी गिर जाती है। तो ये चीज़ें होगी वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड, कि आपने एक टाइम फिक्स कर दिया है ना, उस पर फीड डालनी है। आपने चेक करना है कि मुझे डेली खाद डालनी है, मैं 2 दिन बाद डाल सकता हूँ, मैं 3 दिन बाद, मैं 4 दिन बाद, ठीक है, डेली डालेंगे। अगर आप फार्म पर मौजूद होते हैं डेली डालेंगे, इससे अच्छी बात ही नहीं है कि आप रोज़ पॉन्ड को फर्टिलाइज करें, उसमें नेचुरल फीड बहुत हाई क्वालिटी की बन जाएगी, ठीक है। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली पूरी कैलकुलेट कर लें, एक दिन में अगर फ़र्ज़ करें 1 kg DAP डालते हैं तो एक हफ्ते में 7 डेज में 7 किलो वो और 14 किलो दूसरी यूरिया, ये आपने मिक्स करनी है, तालाब में डालनी है। बेहतर तरीका तो ये है कि आप दूसरे तीसरे दिन करते रहें, ठीक हो गया। अब हमने उसको फर्टिलाइज अच्छे तरीके से कर लिया, मछली को फीड डाल दी है, प्रॉपर फीड डाल रहे हैं। अब प्रॉपर फीड डालने के यही एडवांटेजेस होते हैं कि मछली उसको टाइम से फीड लेती है, उसको पता होता है कि उसकी रूटीन क्या है, फिर वो सारा दिन आपको इशू नहीं रहता, अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाती है। अब बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि हाई CP फीड यूज़ करनी है, वो वैरी करता है क्रॉप्स टू क्रॉप्स, और वैरी करता है आपके बजट के हिसाब से, आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं,